जय माता की। स्वागत है आपका कुकिंग विद ममता विश्नोई के चैनल में। तो आज हम बनाएंगे भटूरे, जो कि हलवा स्टाइल में बनाएंगे, बिल्कुल फुले फुले। तो उसके लिए ये मैंने मैदा ले ली, और इसमें हम एक चम्मच चीनी डाल लेंगे और एक चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे। दो चम्मच तेल डाला मैंने, और ये इनो डाल देंगे एक पूरा सैसे। इसमें इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब हम पानी डालकर थोड़ा थोड़ा इसको गूंथ लेंगे मैदा को। तो मेरी वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छे से मैं ये भटूरे बनाकर दिखाऊंगी। फूले फूले भटूरे बनेंगे गारंटी से, आप पूरी देखना मेरी वीडियो। इस ट्रिक्स अगर आप बनाएंगे मेरे तरह से, तो ज़रूर भटूरे फूले फूले बनेंगे आपके। इसको मैदा को गूंथ कर हम इसको बस क्या करेंगे, इसको पटकेंगे, अच्छे से पटकेंगे। ऐसे पटक पटक के ना, तेज़ तेज़ करके इसको नीचे पटक पटक कर मारेंगे, तो भटूरे बहुत अच्छे फूलेंगे। इसको हम आधा घंटे के लिए ढक के रख देंगे। ये मैंने ढक कर रख दी। अब इसको फिर थोड़ा सा और पटक लेते हैं, तो इससे क्या है कि आपके भटूरे बहुत अच्छे फूले फूले बनेंगे। यही ट्रिक है, भटूरे फूल लेंगे। तो चलिए हम छोटे छोटे गोले बना लेते हैं और भटूरे बनाएंगे अब इसके। तो चलिए हम चकले पे तेल लगा लेंगे और बेलन पर भी। तो अब हम इसको बेल लेंगे। ये छोटे छोटे गोले बना लिए मैंने। तो आप मेरी इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा, तो सर्ती आपके भटूरे फूलेंगे, बहुत अच्छे भटूरे बनेंगे। अगर आपकी मैदा थोड़ी सी फटी फटी दिख रही है, तो थोड़ा सा और उसको अच्छे से मिला लें, फिर एक बार और उसको पटक दें दो चार बार, या ढक के रख दें उसको, तो मैदा सॉफ्ट हो जाएगी, भटूरे सर्तियाँ फूलेंगे। आप इस तरह ज़रूर बनाना, और तेल जो है ना तेज़ ही रखना, तेज़ गैस पर ही बनेंगे भटूरे, बहुत अच्छे भटूरे बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो देखिए कितने बढ़िया भटूरे फूले हैं। आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो सर्तियाँ ये भटूरे फूलेंगे। तो देखिए हमारे भटूरे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भटूरे कैसे बने हैं। तो मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।